परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्विदम ज्यादेव्यो जिदमे व्याप्त के नदीशस्तवाभ्युप्यवेद हमी त्वां सुरसंग्रहि सन्धि केचिन्नि प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंभा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिधिशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च तेन नमेरं महात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तरे जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरं त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भित्ता श्रीवेद्यम् च परं च धाम त्वया कृतं येष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयमिकासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादये त्वा महमीशमीयं हेवपुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 21 से 30 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु वेदविनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थः गङ्गात् यति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति न रूपराय तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति न वानि देहि नैनं छिन्दन्ति सस्यानि नैनं दहति पावक
न दैनं प्रेरयन्त्यापो न शोषयति मारुत अर्थेद्योयमरायो ये मा क्लेजो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानो रचलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय न विकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ तैनं नित्यजातं नित्यं वा मान्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येषे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादिनिभूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव जान्या आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रोत्वापि न वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवच्यूयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न संशोचितुमर्हसि देहि नित्यमवच्यूयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न संशोचितुमर्हसि वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु Sharanam, Hare Sharanam.
एक देखो करना होता है, एक होना होता है। परमात्मा का चिंतन हम करते हैं और संसार का चिंतन होता है। दो बात है, होता है वो स्वाभाविक है, करते हैं वो कृषि साध्य है और बनावटी है। हम जो करेंगे वो बनावटी होगा। तो करने के द्वारा होने वाले चिंतन को मिटा दे, ये हाथ की बात नहीं है। इस संसार का चिंतन भी क्या है, इस तत्व को समझो। हमने जो राग पूर्वक काम किया है उसके संस्कार पड़े हुए, वो राग अपने खुद में रहता है, ये एक बात है। काम का स्थान इंद्रियाणि मनो बुद्धि रसाधिष्ठान, इंद्रिया मन और बुद्धि, और इंद्रिय से अर्थ विषय चार, और रसोप्यस्य परम दृष्टि रसोपि अस्य अस्य साधकस्य, तो साधक की खुद में रस बुद्धि रहती है। अपने खुद में रस बुद्धि रहती है, भोगों में सुख है, रुपयों का महत्व है, ये हमने स्वीकार किया है। अगर हम स्वीकार न करें तो खुद में भोगों में महत्व नहीं है, खुद में रुपयों में ताकत नहीं है। ये बात एक पक्की बात है इसकी। तो हमने माना है दोनों में, जैसे आपने पूछा था ना, तो एक बात है खास कि वास्तव में इनमें महत्व नहीं। अगर रुपया में महत्व हो तो थैली रख दो, मोरों की ढेर रख दो, कुत्ता चला जाएगा, कोई पशु पक्षी उसको कोई पकड़ेगा नहीं, रुपया ले देगा नहीं। आप कहते हो कि वो समझता नहीं, तो समझता है वो जाता है, वो समझता ही नहीं क्या समय। अच्छा, ऐसे विरक्त त्यागी वास्तव में जो वैराग्यवान है, जिसके भीतर राग नहीं है, अब मोह रख दो कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि मांस है, मछली है, अंडा है, इसमें आप किसी का रस मन जाता है क्या, नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है कि हमारी घृणा है, सोते मुर्दे को छू ले तो स्नान करे, अब वो कैसे छूगा, तो आप सब मन नहीं जाता। अगर ऐसा ही सबका मन हो जाए तो उनकी दुकान चले क्या, नहीं चले। तो वो उनमें रस बुद्धि हमारी की हुई है, बनाई हुई है, स्वतः सिद्ध नहीं है। बीड़ी नहीं छोड़ सकते, तम्बाकू नहीं छोड़ सकते, तो बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते, तो ये जो खींचा उन खुद का है क्या, पैदा किया हुआ है अपना। ऐसे भोगों में रुपयों में महत्व तो हमने पैदा किया है, तो हम अगर इसको पसंद ना करेंगे, हम इस राग को पसंद नहीं करते तो मिट जाएगा। तो उसके लिए खास उपाय बताया है कि परम दृष्टवा निवर्तते, परमात्मा तत्व का बोध होने पर ये स्वतः निवृत्त हो जाता है। अब परमात्मा तत्व का बोध कैसे हो, बड़ी एक सुगम बात बता रहे। परमात्मा तत्व का बोध वो है, उसमें एक ही बहन है कि हम करेंगे तब होगा। ये तो मिटा नहीं सका हूं। आपका ये भ्रम है ना, करने से होगा, हर एक काम करने से होगा, तो करते करते धीरे धीरे होगा, तो ये भी करो, कोई हर्ज नहीं। परंतु वास्तव में करने से होने वाली चीज करने से नहीं मिटती है, होने वाली होने से मिटेगी। होने वाली मिटती कब है कि जब हम पदार्थों को, भोगों को महत्व देते हैं,
तब न वो होने वाला संस्कार होता है। राग पूर्वक भोगते हैं, राग पूर्वक संग्रह करते हैं, त्याग करे तो भी मन में राग रहता है। ऐसे रहता है कि हमारे को कोई त्यागी कहे कि ये उपयोग त्यागी है तो हमें कुछ महत्व मालूम देता है कि हम त्यागी है। तो ये महत्व वास्तव में क्या रूपयों का नहीं है, त्याग का है। तो त्याग का महत्व है, रूपयों को दिया हुआ है हमने, रूपयों को त्यागी है। मेरा रुपया वो हमने छूना छोड़ दिया तब तो हमारी महिमा हुई, और टट्टी फिर करके आए उसमें महिमा नहीं हुई। रुपया मेरा है, टट्टी मैं हूँ। तोला जाए 1 मण 30 शेर हुआ, और टट्टी पिछा फिर बराबर तो 1 मण 29 शेर हुआ। तो मैं का त्याग किया है, तो मैं का त्याग तो नजीक का होता है ना, मेरा तो दूर है, तो उसका त्याग का अभिमान नहीं होता। और टट्टी है वो तो निकल जाने से शरीर निरोग हो जाता है, और रुपये निकल जाने से हम हानि मानते हैं। रोग ज्यादा मिटा है उसने, टट्टी फिरने से जन्म मरण नहीं मिटता, और भोग और संग्रह की आग मिट जाए तो जन्म मरण मिट जाए, वो इससे ज्यादा मलिन है। परंतु उसको हमने महत्व दे दिया, तो हमने महत्व दिया है वो कहाँ दिया है, ये बात एक देखने एक। उस राम काम कहाँ रहता है, तो काम के रहने का स्थान ये 5 बताए आपको। अब 5ों में उसे मारने का कहते हैं तस्मात तुम इंद्रियाण यादो नियम, इंद्रियों का नियमन करो। आत्मना आत्मना आत्मान अपने से अपने आप रोको, फिर इसको मार दो। तो पहले इंद्रियों का संयम, मानो इंद्रिया है वो सास भेद काम करे, सास निषिद्ध न करे। ये बात अगर जोरदार ठीक तरह से हमारे पालित हो जाए तो राग जबरदस्त नहीं रहेगा। राग जो निषिद्ध आचरणों में आकर्षण है वो जितना अनर्थकारी है उतना बीच में आकर्षण उतना अनर्थकारी। अनर्थकारी तो है, जन्म मरण का होगा ही, राग तो जन्म मरण रहेगा, कारण गुण सोंग सदस्यों ने जन्म सु। परंतु निषिद्ध रीति से भोग भोगते हैं, निषिद्ध रीति से संग्रह करते हैं, ये बहुत भयंकर चीज है। ये छोड़नी मुश्किल हो जाती है, कठिन हो जाती है ये। तो इसका त्याग पहले करें, सबसे पहले इसका त्याग करें। इसका त्याग कैसे करें, इसका त्याग करो तो मैंने अभी 2-3 दिनों में जो बात बताई, अहम के बिना आपकी सत्ता है। अहम है ना, अहम ये क्या है, अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मानता है, तो माना हुआ करता है ये। तो क्या करेगा, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं का क्या है, मैं का अर्थ अहंकार नहीं, जो गाढ़ सुषुप्ति में नहीं रहता है वो अपना स्वरूप है, वो स्वरूप करता नहीं है। करता माना हुआ हम है, अहंकार विमूढ आत्मा करता हम इति मन्यते, तो माना हुआ अहंकार है। उस अहंकार में चेतन का अंश भी है, जड़ का अंश भी है। तो जड़ का अंश तो चाहता है भोगों को, संग्रह को, जड़ के अंश की प्रधानता केवल नहीं, जड़ की प्रधानता, और चेतन की प्रधानता चाहता है कल्याण मुक्ति, सदा निरंतर आनंद रहे, कभी बंधन न रहे, कभी दुख न रहे, ये क्योंकि उसमें दुख नहीं है। और ये जो माना हुआ अहंकार इसमें है, तो 2 तरह की इच्छा होती है, एक मुक्ति की इच्छा, एक भुक्ति की, भोग की, मोक्ष की। तो भोग की इच्छा होती है उसमें जड़ की प्रधानता उसने दे दी, इस बात भोग की इच्छा होती है।
और मोक्ष की इच्छा को प्रधानता देगा तो वैराग्य हो जाएगा, अपना कल्याण होता है। तो सब अनर्थों का हेतु ये माना हुआ अहम है, अहम मैं दोनों चीज है, इसको जड़ चेतन ग्रंथ से परी गई यद्यपि मृषा छूट कर नहीं, रूट का है नहीं, वास्तव में हो नहीं सकती। अमावस्या सूर्य एक सके कैसे रहेंगे, ऐसे जड़ एक जगह रहते नहीं, किंतु विवेक है जो हमारा जड़ चेतन का, ये विवेक है उसको हम महत्व नहीं देते हैं। कौन सा विवेक? अब इसमें ध्यान देंगे, जैसे गाढ़ नींद होती है उसमें अहम वृत्ति नहीं रहती, परंतु हम रहते हैं, तो हमारा रहना पहले कल जगते थे आज जगे और बीच में नींद, उसमें हमारी सत्ता अखंड है, अहम अखंड नहीं है। अहम तो गाढ़ नींद में नहीं रहा, पीछे नींद खुलती ले लिया, स्वप्न में ले लिया, पर अखंड नहीं रहा, पर अपनी सत्ता अखंड रही। अपनी सत्ता जो अखंड रही है उस अखंड सत्ता में अपने स्थित हो गए, जो अखंड सत्ता में स्थित है स्वतः अभिमान न रहने पर भी हमारी सत्ता का हमारे अनुभव है, कुछ भी हमें पता नहीं था। क्यों नहीं था? कि ज्ञान जितना होता है ये त्रिभुति में होता है, वृत्ति में होता है, उसमें वृत्ति नहीं रही तो उसमें हमें ज्ञान नहीं रहा, कुछ भी ज्ञान नहीं था। और सुख था, बड़े सुख से सोए, कुछ भी याद नहीं था। तो सुख है वो अपना स्वरूप है, और अपने ज्ञान नहीं था तो वृत्ति नहीं थी, भोग्य सुख नहीं है, वो स्वरूप सुख है। जितने सुख दिखते हैं भोग्य दिखते हैं, भोग्य सुखों को हम लेते हैं, तो सुख बुद्धि भोग्य पदार्थ में हमने आरोप कर ली, वह भोग्य बुद्धि है, वही वास्तव में ये मिटने नहीं देती, वही वास्तव में संग्रह में भोग में महत्व देता है। तो वो नहीं स्वतः सिद्ध है वो, तो स्वतः सिद्ध कैसे होगा, उसकी सिद्धि प्राप्ति कैसे होगी? तो उसके लिए तीन बात खास बताई मैंने, आपने ध्यान दिया कि नहीं? एक तो सुख बुद्धि होती है, कोई भोग बुद्धि करते है, सुख बुद्धि करते है, अथवा चिंतन आता है तो उसमें अपने आप को मिलावे नहीं, ये चिंतन मेरा हो रहा ऐसा ना माने, मेरे चिंतन होता है, मेरे को संसार याद आता है ऐसे नहीं माने। मेरा कौन सा? जो सुषुप्ति में ही रहता है उसमें चिंतन नहीं होता है, उसमें संसार नहीं होता है। मैं शब्द के तीन अर्थ होते, मैं करके मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ और मैं भोगी हूँ, ये तीन नहीं हुए। तो मैं संसारी और मैं भोगी हूँ ये माने हुए अहम में है, असली जो सत्ता है, सत्ता स्वरूप जो आपका स्वरूप है उसमें नहीं है, ना भोगी हूँ मैं, ना मैं संसारी हूँ जीव हूँ, ये है उसमें है ही नहीं। तो उसमें नहीं है तो उसको हम मिला लेते हैं चिंतन में, तो चिंतन कुछ भी हो गए सावधान ये रखे उनमें मैं नहीं हूँ, ये चिंतन मेरा नहीं है। एक भोगों के संस्कार का है, और संसार का संस्कार चीज है ये माने हुए अहम में है और हमारा पकड़ा हुआ है, इस वास्ते त्याग की हमारे पर आती है। अब यहाँ जो है महाराज टीकाकारों का बड़ा मतभेद है, एवं बुद्धि परम बुद्धवा करके और परमात्मा तत्व लेते हैं, और कोई लेते हैं पर करके अहम मैं पर, तो ये वास्तव में परम दृष्टा है, ये परमात्मा तत्व ले ले तो मिटाने का उपाय तो है, परंतु अगर संस्कृति प्रवाह को देखा जाए तो काम ऐसा क्रोध रजोगुण स्मृत महासुर इसका वर्णन आता है। तो यू बुद्धि पर तस्तु सह कर कौन आएगा, काम ही आएगा, जो बुद्धि से परे है वो काम है,
क्यों स है ये तत्शब्द पूर्व परामर्श होता है, जिसका प्रकरण आश्रय है उसके नाम ही स होगा, वह है उसको यह कहते हैं। तो वह है तो वह तो वो ही जिसका प्रकरण आ रहा है। तो बुद्धि से पर कह के काम है, बुद्धि से पर काम कैसे है कि मैं हूँ, मेरे सुख की इच्छा है, तो ये मैंपन में है काम। तो परम दृष्टि क्या है कि मैंपन में जो जड़ अंश है वो प्रकृति का है, चेतन अंश अपना है। तो मैं काम रहता है तो ये अपने में खुद में काम रहता है। अब खुद में कह दिया तो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ, बुद्ध मुक्त स्वरूप हो तो उसमें काम कैसे रहेगा कि उसमें काम आपने मान लिया जड़ की प्रधानता से। अब वो मेरे में ये चिंतन नहीं है, मेरे में कामना नहीं है, क्योंकि काम आता जाता है, काम बढ़ता और घटता है, और मैं आता जाता नहीं हूँ और मैं घटता बढ़ता नहीं हूँ। ये अनुभव है, आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखो ये अनुभव है कि नहीं, ये बताओ। मैं पना घटता बढ़ता है क्या और मिटता है क्या, और काम मिटता है घटता है बढ़ता है, अनुभव है। तो जो आप निरंतर रहते हो उसमें काम नहीं है। तो काम वृत्ति पैदा हो, कोई संकल्प बिगड़े, उसके साथ आप मिलो मत। आगंतुक है, आप आगंतुक नहीं हो। अभी दो तीन चार दिनों में ये तो बोध हुआ है ना, इस तरफ तो लक्ष्य हुआ है कि नहीं, तो लक्ष्य हुआ है उसमें ये नहीं है। अब आ गया राग पूर्व चिंतन, तो राग पूर्व चिंतन हुआ, उस चिंतन में ना तो राग करे ना द्वेष करे, ना भला समझे ना बुरा समझे। अब उसमें साधक की दशा क्या होती है, उसको बुरा समझते है, हटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इसमें एक बड़ा दोष आता है, इसको जबरदस्त मानते हैं, इसकी सत्ता को दृढ़ करते हैं। साधक के तो ख्याल होता है कि मैं मिटा रहा हूँ, परंतु कर रहा है दृढ़, क्यों दृढ़ बिना मिटाता किसको है, पहले दृढ़ मानता है तबरे मिटाता है, तो दृढ़ता कर रहा है, मिटाने की जितनी चेष्टा होती है वो दृढ़ करने की होती है। मेरे में कामना ये मनुष्य है तो है नहीं, आगंतुक है, आती है वृत्ति जाती है नहीं। तो उस वो जो वृत्ति आ जाए उसको ना भली समझो और ना बुरी समझो, ना मिट जाए करो और ना रहे, उसमें सुख भी मत लो और दुख भी मत हो। तो राग द्वेष इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयो न वशमागत से हो जाएगा, तो उसे वशीभूत मत हो कम से कम, न राग के वशीभूत हो न द्वेष के वशीभूत हो। तो राग वो चिंतन होता है उसमें राग द्वेष तटस्थ आ रहा है जा रहा है, जिसके बाद मैंने कुत्ता आ गया आ गया कुत्ता आ गया तो निकाल दो, तो निश्चय उपेक्षा करो, आ गया सर जाएगा, आया है वो सर जाएगा, या कुछ मिलेगा नहीं तो ठहरेगा नहीं। तो मिलना क्या है, आप चाहे द्वेष करो तो मिल गया, खुराक मिल गई, और राग करो तो खुराक मिल गई, राग द्वेष नहीं खुराक नहीं मिले आप साथ सर जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं तो क्या रहेगा क्या खाएगा, विश्वास आ गया, ना राग करो ना द्वेष करो, और अपने में नहीं है। ये तीन बात याद रखो, अपने में है नहीं, अपने में वो तो हरदम रहे, हरदम रहता है क्या, क्रोध भी आता है कभी, काम भी आता है, अभी काम है क्या, अभी क्रोध है क्या, जागृत अवस्था में भी ये आगंतुक है, ये सबका अनुभव है, इसमें शंका हो तो पूछो। मैं सबका अनुभव कहता हूँ तो न होता हो तो वो शंका करो। अपने में न राग रहता है न द्वेष रहता है, अपने में है नहीं, रहेगा कैसे, आगंतुक है। अब इसको केवल मन में आया है ये बात, प्रक्रिया में ठीक होते हुए भी गहरा उतर देखो तो मन करण है, बुद्धि करण है, करण में राग द्वेष नहीं होते हैं, राग द्वेष कर्ता में होते हैं। अब कहते हैं कर्ता तो शुद्ध बुद्ध है, कर्ता शुद्ध बुद्ध है, तो मेरे को एक बहुत प्रबल बात मिली है, वो कहता हूँ।
सुखी दुखी कौन होते हैं? स्वयं सुखी और दुखी होता है। अगर स्वयं में भोग न हो तो सुख कैसे होंगे? स्वयं में लोभ न हो तो रुपयों करने से आप सुखी कैसे हो जाएंगे? अगर रुपये चलने आप दुखी कैसे हो जाएंगे? वो तो मन में आए, मन में गए, आप सुखी दुखी कैसे हो जाएंगे? आप सुखी दुखी होते हैं तो अपने में मानते हैं, और तो अपने में माना हुआ है नहीं अपने में, क्योंकि अपने में कहां हरदम नहीं रहता, ना लोभ रहता है, ना भोग रहती है, अभी रहती है ही नहीं भी। तो ये तो आगंतुक है। अब आगंतुक को अपने में मान लेते तो अपने को मिला लेते हैं, तो अपने को मिला हुए नहीं और राग द्वेष न करे, ये इसको उपाय का उपाय है मिटाने का। असली चीज हमारे में नहीं है, तभी मिटेगी, मिटती वही है जो नहीं होती है, होती है वो मिटेगी नहीं। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, और इसका अभाव होता है, कम ज्यादा होता है, हमारा सबका अनुभव है। तो स्वयं में आप में नहीं है, नहीं तो मिटता नहीं, घटता भी नहीं। मैं पण घटता है क्या? कभी जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मैं पण कम होता है। अपना अपनी जो सत्ता में है, अपना होना पर अपना, वो मैं कहता हूँ, मैं पण नहीं कहता हूँ, मैं पण माना हुआ मैं पण है। तो उस सत्ता की कभी कमी ज्यादा होती है क्या? तो जो कमी ज्यादा नहीं होती वो अपना स्वरूप अखंड है, और होने आता जाता है ये अखंड नहीं होता, अखंड होता ही नहीं है, अखंड है ही नहीं। तो अखंड नहीं है उसकी उपेक्षा करो, उदासीन रहो, जो महत्व मत दो, ना राग करो ना द्वेष करो, ना अपने में मानो, इतनी सावधानी रखनी है। अब इसमें असावधानी होती हो, गलती होती वो पूछो। अरे मैंने तो यहाँ तक कल कह दिया, महाराज जी दो हो गए ना, मैं दो हो गए, मैं तो तीन कहा, मैंने दो क्यों कहे, तीन कहे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीव हूँ, और मैं शुद्ध हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं तत्वज्ञ हूँ, ये सब माना हुआ हमें। स्वरूप में मैंपन है नहीं, निर्ममो निरहंकार स शांति मत गच्छति, निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमे। तो निरहंकार है, ये बात बारीक है पर बढ़िया बहुत है। अगर ये नहीं मिटता हो तो भगवान निर्ममो निरहंकार कैसे कहते? कर्मयोग में भी निर्ममो निरहंकार, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार, ज्ञान योग में भी अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म कल्पते। निर्मम निरहंकार तीन योग में आया है, तो ज्ञान योग में भी मिट जाता है, भक्ति योग में मिट जाता है, ज्ञान योग में मिट जाता है। तो मिटती वही चीज है जो नहीं होती है, होने वाली चीज मिटेगी नहीं है, सत का अभाव नहीं होगा। मिटता हुई जो असत होता है मूल में पहले से, तो ये असत है, ये आपका सबका अनुभव है, आगंतुक है, काम और क्रोध और लोभ और मोह आगंतुक है, ये किसका अनुभव नहीं है आप बताओ? आप मान लेते हो वो जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं हो सत स्वरूप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे चेतन और अमल, मल है ही नहीं आप में, सहज सुख राशि सहज, उसमें आप मान लेते हो तो वो सत हो जाता है। अग्नि में जो चीज डालो वो चमक जाती है, पत्थर चमक जाए, ठीकरी चमक जाए, लकड़ा चमक जाए, काला कोयला चमक जाए, ऐसे आप मिला लेते हो तो सत्ता दृढ़ हो जाती है, इसी बात और कुछ नहीं। जैसे मैं खाने की चीज है मलिन से मलिन है, उनको भी महत्व दो तो आकर्षण हो जाएगा, अगर आप महत्व नहीं दो तो कोई ताकत नहीं है। ऐसे
अब इसमें शंका उठ पूछो, अब संदेह आता हो कुल मिलाती वो पूछो। अरे रहने दो, बार मत छेड़ो, एक बार तो निवृत जाए कम से कम, नया उलझन क्यों रखो गोरु दंडो। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, हाँ संसार का स्वरूप हुआ। हाँ संसार स्वरूप बिल्कुल, आपका स्वरूप तो प्रकाश करना है। मैं भोगी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सुख दुख और भोग को प्रकाशित करने वाले आप हो एक रूप, और ये आने जाने वाला है और ये दिखने वाला है, ये मिटने वाला है, आने जाने वाला है। असम नहीं जाता, अनुभव है सबका। आगमा पाई नो अनित्या, इस बात से आगमा पाई बताया, अनित्य बताया। क्या अपने खुद में विकार मत लाओ। मात्रा स्पर्श कौन पे शीतोष्ण सुख दुख खुदा, तो इनको अपने में पकड़ो मत। तिथिक क्या है, निर्विकार रहो आप, निर्विकार आप निर्विकार हो। यंग ही ना व्यथियन दिए थे, ये व्यथा है, सुखी होना भी व्यथा, दुखी होना व्यथा है। व्यथा नहीं करते स्वामृत कल्पति तो मुक्ति का पात्र होता है, जो मुक्ति है सोता है, टूटा हुआ है मुक्ति करने नहीं है, वो तो सोता है सिद्ध। अब इसमें शंका जो बोलो, जब तक प्रियता है इनमें और संसार में बैठा, संसार बिल्कुल संसार में डूबे हुए, वास्तव में ये आने जाने वाला है, आपके सामने आने जाने वाला है, बढ़ने बिगड़ने वाला है, तो आप में नहीं है। आगमा पाई नो अनित्या, ये जो शब्द है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बिच्छू काट जाए तो झाड़े से उतर जाए, ऐसे आगमा पाई नो अनित्या, आगमा पाई नो, आगमा पाई नो अनित्या, ऐसे मन से जब करो तो उतर जाए। बस देख लेना भाई, आप काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, कुछ भी हो, आगमा पाई नो अनित्या, आगमा पाई नो अनित्या, आगमा पाए शोक हो, चिंता कुछ भी हो, मंत्र की तरह काम करती है चीज। आग पाए पाए अनित्या, आग वो पाए आंतरिक सहने की अटकलाया, सहने की एक विद्या है। क्या कहा, आग मा पाए आने जाने वाला है, तो आने जाने वाला, आने जाने वाला, दुख आता है तो हाय दुख आ गया, मर गया, अब क्या करूं, शोक आ गया, आया नहीं है, ये तो जा रहा है। बढ़िया उपाय ये है कि जा रहा, पुराने संस्कार से किसी कारण से उद्भूत हो गए, अब नहीं मिट रहे हैं, क्योंकि भोग भोगने का हमारा उद्देश्य नहीं रहा, तो भोगा भोगे सा नहीं रहेगी, पुरानी थी वो मिट रही है। राम। गीता भवन स्वर्ग आश्रम में परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन मिति वैशाख शुक्ल चतुर्दशी शुक्रवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 दिनांक 19 मई 1989 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हुआ। राम।